24 मार्च होली की रात को सोने से पहले एक लोटा जल इस जगह रख दें। पूरी दुनिया आपके तलवे न छांटे तो फिर कहना और विश्वास के साथ इस प्रयोग को करना चाहिए। और अगर ऐसा व्यक्ति है जिसको अंधेरे में जाने से डर लगता है तो ऐसे में यह वीडियो एक बार जरूर देखें, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं दोस्तों, आपको 24 मार्च होली की रात को सोने से पहले एक लोटा जल इस जगह रख दें, पूरी दुनिया आपके कदम ना चूमे तो फिर कहना। दोस्तों, ये बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए बोल रहा हूं कि वीडियो पूरा देखना। इससे पहले माता रानी, जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें, उसके घर में कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो आपको बता, एक लोटा जल बदलेगा आपकी किस्मत। आप सोच रहे होंगे कि एक लोटा जल आखिर कैसे बदल सकता है। किस्मत एक लोटे पानी के ऐसे टोटके जो समझने और देखने में तो छोटा लगता, पर इसके चमत्कार असीमित व अद्भुत हैं, जिसका प्रयोग 24 मार्च होली पर आप हो सकते हैं धनवान। हाँ दोस्तों, आपके जीवन में धन का आगमन बड़ी तेजी से होने लगेगा, साथ ही पूरी दुनिया आपके घुटनों के नीचे आ जाएगी। कहने का मतलब है कि आप जहां भी जाएंगे वहां पर आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, हर जगह आपका आदर होगा। देखा जाए तो आप राजा के समान जिंदगी व्यतीत करोगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस प्रयोग को 24 मार्च होली पर करते हैं तो इससे आपके जीवन में राजा के समान सुख संपत्ति का आगमन हो जाएगा। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई प्रयोग करते हैं या फिर उपाय करते हैं तो आपको पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ इस प्रयोग को करना चाहिए। जिस प्रकार से अगर आपको विश्वास है तो आप पत्थर में भी भगवान को देख सकते हैं, और अगर आपको विश्वास नहीं है तो स्वयं भगवान आपके सामने आ जाएंगे, फिर भी आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए जिस भी क्षेत्र में आप कार्य करते हैं, आप जिस भी इष्ट देव को मानते हैं, आपको पूर्ण समर्पण और विश्वास उसके प्रति होना आवश्यक माना जाता है, तभी जाकर के आपके सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। दोस्तों, अगर आपका मन मजबूत होगा तभी जाकर के आप पूर्ण विश्वास के साथ किसी भी कार्य को कर पाएंगे, और पूरे विश्वास के साथ अगर आप किसी प्रयोग या फिर उपाय को करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ भी देखने को मिलेगा। अगर आप आंतरिक रूप से खुश रहेंगे तो बाहर से आपको कोई भी दुखी नहीं कर सकता। काम के प्रति आपकी आस्था जगने लगेगी। दोस्तों, पानी एक ऐसी चीज है जो हर चीज में प्रवेश कर जाती है, यानी कि कोई भी वस्तु पाने की धारा को रोक नहीं सकती। हर जगह पानी समाहित हो सकता है, पानी अपने आप में स्वतंत्र होता है, लेकिन जिसके साथ वह मिल जाता है उसी का स्वरूप ग्रहण करके उसी के समान फल प्रदान करने लगता है। दोस्तों, पानी के माध्यम से आप अपने जीवन की हर एक समस्याओं का समाधान बड़ी ही आसानी के साथ कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, अगर आपके घर में कोई बच्चा है जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता है, जिसकी वजह से उसके माता पिता परेशान रहते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, एक कांच के गिलास में साफ पानी ले लीजिए। उस पानी को ध्यान से देखते हुए आपको खुद बच्चे के लिए कहना है कि मेरा पढ़ाई में मन लगने लगा है, मैं अब रोजाना इतने घंटे पढ़ाई करूंगा, अब मैं हमेशा ही अपने क्लास में उच्च आने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार से उस पानी को देखते हुए आपको उसे अभिमंत्रित कर लेना है और उसे अपने बच्चे को पीला देना है। जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, विश्वास कीजिए यह इतना ज्यादा शक्तिशाली प्रयोग है कि इसको करते ही कुछ दिनों में इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारी प्राचीन प्रस्तुति आपको पसंद आती है तो वीडियो को अभी लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और कमेंट बॉक्स में जय हनुमान अवश्य लिख दे। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अंधेरे में जाने से डर लगता है तो ऐसे में आप एक गिलास साफ पानी ले लीजिए और उस पानी को देखते हुए बोले, मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता, और ऐसा करके आपको उस पानी को उस व्यक्ति को पीला देना है जिसे अंधेरे से डर लगता है। ऐसा करते ही वह व्यक्ति अंधेरे से डरना छोड़ देगा, यानी कि उसे अंधेरे से डर नहीं लगेगा। दोस्तों, पंच तत्व में से एक जल को भी माना जाता है जो हमारे पूरे शरीर में विद्यमान है। अगर आपके शरीर में जल की कमी होती है तो इससे न सिर्फ आपको शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बल्कि आपको अपने जीवन में कई प्रकार की आर्थिक, मानसिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपके शरीर में मौजूद पानी न सिर्फ आपके शरीर को सुरक्षित रखने का कार्य करता है, बल्कि यह आपके चंद्रमा को भी मजबूत बनाने का कार्य करता है।
चंद्रमा को जल का कारक ग्रह कहा जाता है, इसलिए दोस्तों चंद्रमा का बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होने की वजह से हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर आप खुद किसी भी प्रकार की कोई समस्या से परेशान हैं, तो 24 मार्च होली की रात को सोने से पहले आपको एक गिलास पानी ले लेना है और उस समस्या को मन ही मन एक बार उच्चारण करना है और बोल देना है कि मुझे इस समस्या से कुछ दिनों में छुटकारा मिल जाएगा। इस प्रकार से उस जल को अभिमंत्रित करके खुद उस जल को पी लीजिए। यदि आप लगातार 7 दिनों तक इस क्रिया को करते हैं तो इससे आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। पानी के माध्यम से कई प्रकार के टोने टोटके और प्रयोग किए जाते हैं। अगर आप पानी का प्रयोग करके किसी व्यक्ति के ऊपर वशीकरण करते हैं तो वह व्यक्ति जीवन भर आपके खिलाफ नहीं जाएगा, वह आपके अनुसार ही कार्य करने का प्रयास करेगा। लेकिन यहां पर आपको यह समझना जरूरी है कि आप किसी व्यक्ति को गुलाम नहीं बना सकते। आप जो भी वशीकरण का कार्य करते हैं, अगर आपका उद्देश्य अच्छा है और सही है, किसी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आप वशीकरण का कार्य करते हैं, तभी जाकर के वह आपके लिए कार्य करता है। अगर आप जल को अभिमंत्रित करते हैं और उस जल को किसी को पीला देते हैं तो वह अभिमंत्रित जल उसके रग रग में फैल जाता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति आपके अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है। पूरे जीवन में उसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए दोस्तों पानी बहुत ही मजबूत चीज मानी जाती है। अपने विचार को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए अगर आप किसी चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, जैसे कि कोई चीज आपको लगातार परेशान कर रही है उससे आप छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर आपकी कोई मनोकामना है, जैसे कि कुछ लोगों की मनोकामना धन की होती है, उनके जीवन में धन की बहुत ही ज्यादा कमी होती है, जिसकी वजह से वे लोग अपने जीवन के हर एक पहलू का अच्छे से आनंद नहीं उठा पाते। अगर आप भी धन की इच्छा करते हैं या फिर अपना खुद का मकान बनवाना चाहते हैं, या आपके घर में किसी की तबीयत खराब है, उसकी तबीयत ठीक होने की कामना करते हैं, आपके पास दवाई खाने के लिए पैसे नहीं हैं, ऑपरेशन कराने के लिए पैसे नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर आपके शत्रु ज्यादा मात्रा में हैं, आपको लगातार शत्रु परेशान करते रहते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की और कोई परेशानी आपको है जिससे आप छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस प्रयोग को 25 मार्च होली चंद्र ग्रहण की रात को सोने से पहले आपको अवश्य करना चाहिए। इसे बड़े ध्यान से सुन लीजिए। इसे आपको सोमवार की रात करना है। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का दिन होता है। इस दिन होली पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण है। सोमवार की रात जब आप सोने के लिए जाते हैं, उस समय आपको, अगर आप बेड पर सोते हैं तो बेड के नीचे सिरहाने के पास तांबे के लोटे में एक लोटा पानी रख देना है। उस पानी में चावल के 11 दाने डाल दे, हाथ मुंह धोकर के आपको यह सब कार्य करना है। और जब आप सोने के लिए बेड पर जाएंगे, उसी समय आपको मन ही मन कम से कम 5 मिनट तक अपनी इच्छा को सोचना है। जब आप लगातार 5 मिनट तक अपनी इच्छा को मन ही मन स्मरण करते हैं, तो इससे आपका वह जल अभिमंत्रित हो जाता है। फिर सुबह तक उस पानी को वहीं पर रहने दें और सुबह होने के पश्चात आपको उस पानी को ले जाकर किंकर पेड़ की जड़ में डाल देना है और बिना पीछे देखे ही अपने घर लौट करके आ जाइए। दोस्तों किंकर का पेड़ में असंख्य ऐसी आत्माओं का वास होता है जो अतिरिक्त होते हैं। जब आप जड़ में पानी डालते हैं तो यह सभी आत्माएं तृप्त हो जाती है और तृप्त होने के पश्चात आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने लगती है। अगर दोस्तों आपको कीकर का पेड़ नहीं मिले तो आप बरगद के पेड़ की जड़ों में डाल सकते हैं। दोस्तों इस प्रयोग को आपको सोमवार के दिन करना है। चाहे तो आप इसको एक बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं, यानी कि जितनी ज्यादा बार आप करेंगे उतना ही ज्यादा आपको लाभ मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी, आपके हर कार्य बनने लगेंगे। ज्योतिष शास्त्र में हर समस्या का समाधान किसी न किसी उपाय या टोटके के रूप में मिल ही जाता है। अगर आप धन की समस्या से परेशान हैं, वास्तु दोष से परेशान हैं, ग्रह दोष से परेशान हैं, कुंडली दोष से परेशान हैं, या अन्य किसी और व्यक्तिगत या पारिवारिक समस्या से परेशान हो रहे हैं और अनेक प्रयास या उपाय भी कर चुके हैं, फिर भी आपकी समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, तो इस टोटके को एक बार जरूर प्रयोग करें।
अवश्य ही आपकी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपके घर परिवार में हमेशा के लिए सुख शांति का वातावरण होगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में कोई ग्रह बुरे प्रभाव दे रहा हो तो व्यक्ति को बैठे बिठाए अनेक परेशानियां घेर लेती हैं। खासकर व्यक्ति बार बार बीमार होने लगता है, बीमारियों के इलाज में खर्च भी अधिक होता है, किसी ऐसे कार्यों में धन खर्च होने लगता है जहां आप पैसा बचा सकते थे। यदि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है, अपने सिरहाने रात में सोते समय एक लोटा जल भरकर रखें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस जल को चुपचाप बाहर जाकर फेंक दें, वापस आते समय पीछे मुड़कर न देखें, इससे ग्रहों की पीड़ा शांत होती है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके घर में भूत प्रेत आत्माएं हैं या कोई नकारात्मक शक्तियां हैं तो आप एक गिलास पानी से भी पता लगा सकते हैं कि आपके घर में भूत प्रेत का वास है। इसके लिए आपको रात में एक गिलास में पानी लेना है और उसमें एक चम्मच नमक डालना है। उसके बाद उसमें व्हाइट विनेगर डालकर अच्छे से मिला देना है और उसको घर की ऐसी जगह पर रखना है जहां पर आपको नकारात्मक ऊर्जा का ज्यादा एहसास होता हो। उसके बाद यह पानी अगर अगली सुबह तक गंदा और पीला हो जाए तो आप समझ जाइए कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, और अगर ऐसा न हो तो ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है तो अपने घर में पोछा लगाते समय उसमें नमक डाल दें। कहा जाता है ऐसा करने से नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। इसी के साथ रोजाना घर में गुग्गल, पीला सरसों और लोबान जलाएं और इसका धुआं पूरे घर में दिखाएं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन किए जाने वाले उपाय बहुत ज्यादा शुभ फल प्रदान करते हैं। आज हम आपको होली पर किए जाने वाले ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, जो आपके जीवन को बदल सकता है, आपकी दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है, आपकी परेशानी को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, प्राचीन परंपरा की माने तो पिता और पुत्र का यह रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है, लेकिन प्राचीन काल में असुर राजा हिरण्यकश्यप और उसकी पुत्र भक्त प्रहलाद की कथा मिलती है, जहां एक पिता ने अपने पुत्र को अग्नि में बैठा दिया, लेकिन उसकी भगवत भक्ति ने उन्हें बचा लिया। भगवत भक्ति में इतने लीन थे भक्त प्रहलाद की उसे कुछ भी नुकसान नहीं हो पाया, यानी कि बुराई ने अच्छाई से हार गई और अच्छाई ने बुराई पर विजय पाया ही पाया, और इतिहास में यह पर्व भी बना दिया कि सत्य की हमेशा जीत होती है। साथ ही इस घटना से यह संदेश मिलता है कि ईश्वर के प्रति विश्वास अगर दृढ़ हो, अचल हो, तो बिल्कुल भी आपको कोई भी मुसीबत आपके बाल बांका नहीं कर पाएंगे। तो आज की प्रस्तुति को समाप्त करते हैं। होलिका दहन के दिन मनुष्य को पैसे का लेन देन नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन उधार देने से वह संयोग से वापस मिल सकता है, अर्थात इस दिन दूसरों को दिया हुआ धन बर्बाद हो जाता है। इस दिन दूसरों को पैसा देने से धन का नाश होता है। तो आइए अब जानते हैं होलिका दहन के दिन कौन से महत्वपूर्ण उपाय करने चाहिए। इन उपायों को करने से आपको धन की प्राप्ति होगी और दरिद्रता दूर हो जाएगी। खासकर इस दिन विशेष मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। होली की परिक्रमा करते वक्त आप इन शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण करें, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। होलिका दहन के दिन आप होली की परिक्रमा जरूर करें और परिक्रमा करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम नरसिंहाय नमः। यह अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप होली की परिक्रमा करें और अपने पापों को होलिका की अग्नि को समर्पित करें। इससे आपका मन पवित्र हो जाएगा और भगवान नरसिंह की कृपा से आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अगर आपके द्वारा कोई गलत कार्य हुए है तो उसके लिए आप भगवान से क्षमा मांगते हुए होलिका की परिक्रमा करें, भगवान आपको क्षमा कर देंगे। दूसरा उपाय, घर में शांति बनाए रखने के लिए एक मिट्टी के बर्तन में 11 लाल मिर्च के दाने रखकर उसे होलिका की प्रज्वलित अग्नि में रख दे और हाथ जोड़कर घर में शांति की कामना करे। इससे आपके घर के अंदर की संपूर्ण नकारात्मक शक्ति नष्ट होती है और सुख शांति बनी रहती है। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। होलिका दहन के दिन आप एक चुटकी सिंदूर बिना किसी को बताए चुपके से होलिका की जलती हुई अग्नि में डाल दे और इस मंत्र का उच्चारण करे, ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदया। इस मंत्र के उच्चारण मात्र से माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो जाती है और आपकी दरिद्रता दूर हो जाती है।
होलिका दहन समाप्ति के बाद उसकी राख लेकर संपूर्ण घर में छिड़के, इससे घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और सकारात्मकता बनी रहेगी। साथ ही होली की राख को माथे पर लगाने से बुरी नजर से सुरक्षा होती है। होलिका दहन में नारियल चढ़ाने का बड़ा ही महत्व है। होलिका की धधकती अग्नि में नारियल चढ़ाने से व्यापार और नौकरी संबंधी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है। होलिका पूजन के समय में जौ का आटा अर्पित करने से घर में सुख शांति बनी रहेगी। घर के सामने लटकी हुई पुरानी नींबू और मिर्च निकालकर इसे होली की अग्नि में डाल दे और दूसरे दिन सुबह नई मिर्च और नींबू द्वार पर लटका दे, इससे घर में सुख और समृद्धि आती है। नींबू और मिर्च का संबंध अलक्ष्मी से है, अतः इन्हें अग्नि में प्रज्वलित करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। होलिका दहन के दिन गाय के गोबर में जौ, अरसी, कुश मिलाकर छोटा उपला बना लें और इसे घर के मेन गेट पर लटका कर रख दें। ऐसा करने से बुरी शक्तियों से और बुरी नजर से घर की रक्षा होती है। होलिका दहन के दिन होलिका की अग्नि में एक बताशा, देसी घी में भिगोई हुई दो लौंग और एक नागर पान चढ़ाना चाहिए, इससे धन संबंधी समस्याएं दूर होती है। होलिका दहन की अग्नि के पास सरसों के तेल का दीपक जलाने से भगवान नरसिंह का क्रोध शांत होता है और वे प्रसन्न होते हैं, इससे आपकी मनोकामनाएं निश्चित ही पूर्ण होती है। होली की रात्रि में भगवान नरसिंह की तस्वीर के सामने एक सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं और अपने दुखों के निवारण के लिए विनती करें। तो दोस्तों, इस प्रकार से होलिका दहन के दिन आप ये उपाय अवश्य करें, माता लक्ष्मी की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय नरसिंह भगवान और जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।